हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बहुत मतलब ऐसी उमस हो रही है दोस्तों हमारे यहाँ, तो देखो ना कितना पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है। मौसम इतना वो हो रहा है, मतलब बादल हो रहा है लेकिन पानी नहीं गिर रहा है हमारे यहाँ। आप लोग क्या गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है बताना जरूर हमें कमेंट करके। तो दोस्तों, कई लोग तो बौखला के बैठ गए हैं यार। सच में मुझे कल का वीडियो देख के इतना हंसी आ रही थी कि सामने वालों को तो उकसा रही है, जबरदस्ती का उकसा रही है कि करो करो, जाओ जाओ, हमारे खिलाफ भी करो। यार जिस दिन हो गई ना, पता चल जाएगा बेटा, है ना, कहीं की नहीं रहोगी, है ना। इतनी बेशरमताई मत दिखाओ, तुमने वैसे बहुत बेशरमताई लाद के रखी हुई है ना। दूसरों के लिए तुम क्या क्या नहीं बोलती हो यार, थोड़ी सी तो शर्म करो। है किससे पंगा ले रही हो, कुछ समझ ही नहीं आता है आपका तो। बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, इसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। ये हद से बाहर वाली लेडी है, मतलब बदतमीज टाइप की, जो कहना चाहिए ना, इतनी बदतमीज की बता नहीं सकते। और अभी तो ततैया बिच्छू जैसे चिल्लाए जा रही है, चिल्लाए जा रही है, बौखलाए जा रही है, नॉन स्टॉप बोले जा रही है। मतलब ऐसा लगता है कि बीच में सांस भी लेती है कि नहीं लेती है यार, कि ऐसे ही जिंदा हो। और आज फिर घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं यार। है? क्या हो तुम है? मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया कि तुम कितना नाटक करती हो यार, है ना। दूसरों के लिए इतना पिंच कर देना, इतना पिंच कर देना कि बता नहीं सकते यार। खुद का भी तो दिखाओ, खुद अपनी लाइफ में क्या क्या करके बैठी हो। मेरे भी सारे सब्सक्राइबर्स ये बोल रहे हैं, इस औरत को बोलो कि इस औरत की कहानी क्या है ना। तो लाओ ना अपनी कहानी लेकर आओ ना, कि तुम्हारी खुद की क्या कहानी है। दूसरों की कहानियां तो बहुत अच्छे से परोसती हो तुम YouTube पर आके, बहुत अच्छे से, और उसमें क्या बोलना चाहिए, सारे मसाले लगा के, और अच्छे से जो है भी नहीं है उसको भी तुम बहुत अच्छे से परोसती हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो आके, है ना, हर एक के बारे में। मैंने देख लिया, जिसको ये परेशान करने को उतरती ना, उसको तो ये इतनी बुरी तरीके से परेशान करती है, इतना गंदा गंदा बोलती है कि बता नहीं सकते। नमक मिर्ची सारे गरम मसाले लगा देती है उसमें, और हासिल क्या होता है आखिरी में? कुछ नहीं होता इसको हासिल, है ना, सिवाय बदनामी के, सिवाय गंदे कमेंट्स के, इस औरत को कुछ हासिल नहीं होता। मैं तुम्हें एक पर्सनली सलाह दूं, ये है ना, बंद कर दो ये दूसरों के बीच में उचकना, अपना देखो, है ना, अपना खुद का भी तुम्हारा बहुत कुछ है, वो लेकर आओ, है ना। काफी अच्छे व्यूज आएंगे तुम्हारे, पता है, जब अपना लेकर उतरोगी ना, 4 दिन यहाँ 4 दिन वहां। अभी किसी को पता थोड़ी है, बहुत कम लोगों को पता है ये चीजें जो तुमने अपने मुंह से बताई थी हमको, है ना। वो बातें लेकर आओ यहाँ पर सोशल मीडिया पे, तब सहानुभूति मिल जाएगी आपको बहुत अच्छे से, है ना, ढेर सारे सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे आपको। अपने लिए सहानुभूति ले लो कि आप क्या करके बैठी हो अपनी लाइफ में, है ना। बता दूं क्या यहाँ पर, कि अपने मुंह से जो बोली थी तुम हमसे, 4 दिन यहाँ 4 दिन वहां। बहुत से लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि दीदी ये क्या है 4 दिन यहाँ 4 दिन वहां, अभी तक नहीं बताई मैं, है ना। तुम्हारे जैसी नहीं हूं मैं कि अब बैठ जाऊंगी बकने के लिए, समझे। तुम तो इतनी सी बात का इतना बड़ा ताड़ बनाया था तुमने बिना बात के। सही तो बोली थी, क्या बोली थी मैं, तुम सही बोली थी ना, तो तुमने इज्जत उतारने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भगवान के घर देर था अंधेर नहीं यार, इज्जत मेरी 4 चौगुनी बढ़ गई तुमने जो गिराने। अपनी इज्जत बढ़ा लो, अब हम सच बताएं, तुमने तो अपनी इज्जत खुद से गिरा ली है, इतनी गिरा ली है कि बता नहीं सकते। इसलिए अब तुम्हारी बारी है, अपनी इज्जत बढ़ा लो, अपनी कहानी लेकर आ जाओ, है ना। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है तुम्हारी, कहाँ से भगाई गई हो, कहाँ से निकाली गई हो, कहाँ पहुंची हो, फिर क्या क्या पंगे हैं, क्या बहुत लंबा चौड़ा है तुम्हारा भी, है ना। वो लेकर आओ सोशल मीडिया पे, है ना। दूसरों की कहानियां लेकर मत आओ, दूसरों की लाइफ में मत घुसो, दूसरों के परिवार में मत घुसो, दूसरों के फैमिली मैटर में मत घुसो, है ना। यदि हम लोग अपना फैमिली मैटर ब्लॉग बना रहे हैं फैमिली को लेके, तो तुम्हें कोई हक नहीं है उसके बीच में घुसने का, समझे।
किसी के भी परिवार में, मैं अपने ही नहीं बोल रही, किसी के भी नहीं। तुम सपना के में घुसी, तो हमारे में घुसी, तुम शेरनी हो, ना जाने कौन कौन कितने नाम है यार, सबके फैमिली मैटर में घुस जाती है औरत जाके, क्योंकि इसकी खुद की, अभी बोल दूंगी ना तो अंदर तक मिर्ची लग जाएंगी तेरे को। बहुत ही बदतमीज महिला है, मैंने ऐसी बदतमीज महिला आज तक नहीं देखी। कल का वीडियो में ये औरत इतनी बेशरमताई दिखा रही थी, इतनी बेशरमताई, इतना डेयरिंग कि सीधे तो किसको चैलेंज कर रही है, किसको चैलेंज कर रही है? शर्म नहीं आ तेरे को? तेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि यार उनका खुद का बेटा गया हुआ है ना, एक छोड़ दो दो बेटे गए हुए हैं, तो उन्हें ज्यादा फिक्र होगी ना सब चीजों की, जो अभी भी FIR 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 करे जा रही है, और इतना उकसाए जा रही है उनको कि बता नहीं सकते यार। नहीं है इस औरत को शर्म, बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस औरत को, मैं सही बता रही हूँ। बेशरम, महा बेशरम। इसके कमेंट्स पढ़ो जाके, कमेंट सेक्शन में अपन को शर्म आ जाएगी। ठीक है, 2 4 8 10 तो आते ही हैं, एक्सेप्शनल रहते हैं, हर एक को आते हैं, लेकिन इसके कमेंट्स पढ़ोगी ना तो फेवर में तो 2 4 10 ही मिलेंगे, और वो भी मूर्ख लोग होंगे जो इसके फेवर में होंगे, मैं सही बताऊं। उनकी भी आंखें बंद होंगी, उन्हें भी अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो दूसरों को बोलती है ना, बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, मंद बुद्धि के, समझ में नहीं आता है, जिनकी तार्किक बुद्धि होगी, जो इंटेलिजेंट होंगे, वो ही मुझे समझ सकते हैं, मैं तो बड़ी भावुक हूँ, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ, दूसरों का दुख दर्द देख के मुझे रोना आ जाता है, तो फिर हैं कहाँ गया वो सब? मेरे लिए भी यही बोली थी ना कि आऊंगी, इंसाफ कराऊंगी, कहाँ गया तेरा वो इंसाफ? पता धरता कुछ नहीं है तेरे से, है ना, फालतू घुस जाना फैमिली मैटर में। कितनी बार अपनी इज्जत गिराएगी यार, दूसरों से तो बहुत बोलती है जाके, ये बड़ा छोटा ये सब, कितना कुछ बोला है तूने यार, छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, इनको उनको, शर्म कर यार। तू खुद कौन है, खुद क्या करके बैठी है पहले वो देख, बाद में हम सब महिलाओं को देखना, है ना, पहले खुद को अच्छे से एनालिसिस कर ले, अच्छे से आत्ममंथन कर ले खुद के बारे में बैठ के, कि तुम खुद कौन हो, है ना, फिर दूसरों के बारे में बोलना। जब अपने बारे में सोचेगी ना, तब तेरे को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एक महिला का दर्द नहीं समझती तुम, एक औरत का दर्द नहीं समझती, ये सबसे बड़ी खराबी है तुम में। वरना मैं सच बोलूं ना कि ठीक है, तुम सोचती हो कि मैं अच्छा करने जा रही हूँ, अच्छा करने जा रही हूँ, तुम अच्छा नहीं करती किसी का, तुम बुरा करती हो। तुम बोलती हो मैं अच्छे उससे गई थी, FIR को अच्छा कराने के लिए निकली थी, मैं तो उनके पेरेंट्स नहीं कर रहे थे, उनकी वाइफ नहीं कर रही थी, मैं वो चीज कराने जाती, तो तुम कौन हो यार, तुम करने कराने जा रही थी, तुम कौन हो? उनका सबसे ज्यादा गया है कि तुम्हारा गया हुआ है? ठीक है, ले रखा है क्या सबका? क्या हुआ तुम्हारा हाल, पहले ये तो सोचो। निकली थी बड़ी FIR कराने के लिए, गिर गई ना सबकी नजरों से। अभी भी टाइम है, समझ जाओ, समझ सको तो समझ जाओ। वैसे बेशरम महिला है, कभी नहीं समझेगी, मैं तुमको बता दूं, ये महा बेशरम है। इसकी जो चमड़ी है ना, बहुत मोटी है, तभी तो फटे ढोल जैसी बसती रहती है सब जगह। और एक चीज और बताऊं, जो अपने आप में काबिलियत रखते हैं ना, वो इस तरीके से, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो शोबाजी नहीं करते हैं। उनकी काबिलियत खुद पे खुद दिखती है, उन्हें लगाना नहीं पड़ती है वीडियोस में कि हम कितने काबिल हैं, वो वीडियो में नहीं दिखानी पड़ती है, वो काबिलियत अपने आप आ जाती है, अपने आप लोगों को दिखने लगती है। तुमको तो इतनी मजबूर हो कि तुम्हें वीडियोस के माध्यम से दिखाना पड़ता है, हम ये, हम में ये काबिलियत है, हम इतना वो हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा, ये तुमको खुद वीडियोस के माध्यम से दिखाना पड़ रहा है, शॉर्ट वीडियोस में डाल डाल के दिखाना पड़ रहा है
यदि काबिलियत होती ना तो वो अपने आप लोगों को दिखती है ना। ऐसे जो दिखा रही हूँ ना, ऐसे तो यूं यूं है, यूं यूं पड़े हैं अलमारियों में, बहुत सारा ढेर लग रहा है, आज तक नहीं दिखाए गए। क्योंकि जो खुद में काबिलियत रखता है ना, वो शोबाजी नहीं करता है, उसका अपने आप ही दिखता है। तुम सिर्फ शोबाजी करती हो और कुछ नहीं करती। बदतमीज महिला, अभी भी टाइम है, संभल जाओ है ना, वरना ये सोशल मीडिया है, यदि नंगा करने पे उतरेगा ना तो इस हद तक नंगा करेगा कि समझ भी नहीं पाओगी। अभी भी टाइम है, दूसरों के प्रति दया रखना सीख जाओ है ना। दूसरों के मैटर में मत घुसो फालतू, अपने घर का मैटर देखो, अपने ही घर का मैटर लेकर आओ। दूसरों के घर के मैटर कोई मायने नहीं रखते है ना। आपका खुद का बहुत बड़ा स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यदि लोगों आप देखोगे ना, इसकी स्टोरी सुनोगे तो अपने मुंह से मैं कुछ भी नहीं बोलूँ, मेरी आदत नहीं है आप पर बोलने की है ना।